बाबू 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 बाबू। आज ना मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, जो नाले वाले गली के सामने कपड़ों की फड़ लगती है ना, वहीं। तुमको कुछ चाहिए? नहीं बाबू, मुझे तो ना बस तुम चाहिए। बाबू मैं फ्राइड राइस बना रहा हूँ, तुमको खाने हैं? तुम चाहिए। बाबू मैं पानी भरने जा रहा हूँ, तुमको चाहिए? तुम चाहिए, तुम चाहिए, तुम चाहिए। बाबू मैं ना सूसू करने जा रहा हूँ, तुम्हारे बदले मैं कर रहा हूँ। नहीं बाबू, मैं तो कर आई थी सूसू, और हाँ मैं तो तुम्हारे बदले की भी सूसू कर आई थी। अरे राम, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस कैंटर से शादी करके। शादी से पहले तो बोलता था तो ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, आज तक जुड़े कपड़ा तक नहीं दिलाया उसने। चोर चैन चोर। अच्छा, जो बैगन में जो तू भर रही है वो कहाँ पे आएगा बड़ा? अच्छा जुबान चला रहा है, शादी करे तो कपड़े तो दिलाने ही पड़ेंगे। शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे करता था, बन जा मेरी रानी तुझे मैल दबा दूंगा, आज तक ब्यूटी पार्लर भी लेके नहीं गया। अरे कम से कम एक वीवो का फोन ही दिला दे। सुनो ना बाबू, हमारी शादी के बाद में ना मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, वो भी तुम्हारे जैसा, और उसका नाम रखूंगा जूनियर मेगा। नहीं बाबू, मुझे ना एक बच्चा चाहिए तुम्हारे जैसा, जिसका नाम मैं रखूंगी जूनियर नवनीत। संतान को चारों तरफ हंसते और डोल रहे हैं। शादी से तो पहले बोलता था एक बच्चा करूंगा तुम्हारी जैसा, और उसका नाम मैं मुन्नी रखूंगा, या पूरी की पूरी क्रिकेट टीम बना के रख दी। पापा पापा चीची छाप कर दो, चार दिन है ये चूतर धोए ना है। हट बेटी, जब चार दिन है ये चूतर ना देते ना, तो पूरे दिन चीची करवा लो। चले मम्मी, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, जल्दी टिफिन पैक करो ना। ओ, मेरा बेबी लेट हो रहा है। तुम ना टेंशन मत लो, शादी के बाद में तुम्हें चार घंटे पहले टिफिन बना के दे दिया करूंगी। ओ मेरा बेबी सो क्यूट। अरे भाग्यवान, दुकान पे जाना है, टिफिन बिफिन बना के नहीं बना है? हाँ मेरे बाप ने इसलिए तो मेरी शादी तुझसे करी थी कि तेरे कच्चे दो, फिर तेरे बच्चे संभालो और ये पूरे घर की सफाई करो, उसके बाद में भी तुम्हें चैन कहाँ, टिफिन बनाओ महाराज के लिए। मेरा तो करम टूट गया तुझसे शादी करके। बोलता था शादी से पहले बन जा मेरी रानी तुझे मैल दबा दूंगा, मुझे क्या पता था वो रानी नहीं वो नौकरानी है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से काला करा के आया है। निकल ले बेटा। बेबी जल्दी से ना घर पे आ जाओ, आज कोई भी नहीं है घर पर। अरे बेबी ऑफिस से अभी निकलता हूँ। इश्क मोहल्ला, और यहाँ है सब कुछ खुल्लम खुल्ला। चौजी
भगवान से क्या प्रार्थना मांग रही हो? ये भगवान ऐसा पति मुझे सातों जन्म दे। मैं भगवान से ये नहीं बोल रही थी कि ऐसा पति मुझे सातों जन्म दे, मैं उन्हें धमकी दे रही थी कि इस जन्म तो तुमने मुझे ये दे दिया है, अगले जन्म से दे मत देना। कॉमेडी कर रही हो है? कॉमेडी। मैं जी बोलूं कि एक चुम्मा ये थोड़ा थोड़ा कर करके तुमने बाहर पलटन लगा रखी है। और हाँ, वो बरमाइन मुझे बता रही थी, वो क्या चल रहा है तुम्हारा उस पंडिताइन से? चक्कर? अरे वो तो मेरी बहन जैसी है। हाँ, मैं भी ना ये घर में बैठ के ना दिन में क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, दिन में भैया और रात में सैया, सब पता है मुझे। लग तो डिश टीवी कटवानी पड़ेगी। अच्छा, डिश कटवाएगा? कुछ भी बोलो यार, लास्ट नाइट पार्टी में बहुत मजे आए थे। हाँ यार, सही बोल रहा है यार, मजा ही आ गया था यार। अरे परेशान क्यों हो रहे हो, अगली बार चलेंगे पार्टी करने गोवा। गर्लफ्रेंड का मैसेज है। वर्मा जी, जो मेरी वाइफ है ना, बहू, मेरे मर्जी के बिना इधर से उधर हिल भी नहीं पाती है। अरे मेरी बहू मेरे मारे कांपती है पाठक जी। अरे तुम दोनों तो छोड़ो, मेरी जो बीवी है ना, वो मेरी बिना मर्जी के पानी तक नहीं पीती है। क्या बात है। अरे पाठक जी, दारू तो आ गई पर चकना नहीं आया। अरे जो काली चाट भंडार है ना, वहां से आता ही होगा। अरे लो जी, घंटी बज गई, मतलब चकना आ गया। तुम लोग यही बैठे रहो, अभी लेके आता हूँ मैं चकना। दारू के साथ चकना मजा आया तो। हाँ भैया, यहाँ पर रख दे चकना। चूतिये भाभी है। अबे भाभी तेरी बहू है।